हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक अगेन टू प्रोक्सी गन मैं आपका एजुकेटर सैयद शाह दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रोक्सी गयन यूट्यूब चैनल पे तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोगों ने जो है मार्क्स मैन की जो सीरीज़ है 21,000 प्लस एम सी सीरीज उसको कवर करना स्टार्ट किया है और हम हिस्ट्री पार्ट के मुगल एम्पायर्स तक हम पहुँच चुके हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जी हाँ सो so, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बारे में आज डिस्कस किया जाएगा ओके <coughs> okay. और चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच जो आपने जो हमको इतना मोटिवेशन दिया कमेंट सेक्शन में इसी तरह अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पब्लिकेशन का नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे आइडिया लगे कि कौन सा पब्लिकेशन है अगर आप किसी स्टेट पी या स्टेट पी की किताब चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे किताब होंगे दोस्तों हिस्ट्री के रिलेटेड ओके जोग्राफ़ी के रिलेटेड तो पब्लिकेशंस अगर आप मुझे बता देंगे तो मुझे ईजी होगा दोस्तों फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि मैंने मैं यू नो इफ क्योंकि अगर आपके माइंड में आप कुछ और पब्लिकेशंस हो और हम दूसरी पब्लिकेशन की किताब लेकर आए तो इट डज़ नॉट माइज द क्राइटेरिया राइट तो इसीलिए हम लोगों ने एक पोस्ट भी किया था जब आप बुक सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ पब्लिकेशन भी बताइएगा तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों सो so, जैसा मैंने कहा था कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे <coughs> तो पहला क्वेश्चन है थोड़ा जूम इन कर लेता हूं ओके इन मुगल एरा ड्यूटी ऑफ मीर बख्शी वॉस ऑप्शन डी सुपरविजन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल दोस्तोंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज फिजिशियन इन मुगल सर्विस की बात करें तो ऑप्शन सी मनुकी को अपॉइंट किया गया था वॉट वॉज अ डिस्ट्रिक्ट नोन एज ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन दट इज ऑप्शन डी सरकार दोस्तों विच ऑफ द फॉलिंग वॉज हेड ऑफ द आर्मी इन मुगल पीरियड ज ऑप्शन बी मीर बख्शी सो इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मुहत्तिब या मुहत्सिब वॉस कौन थे मुहत्सिब किसे कहा जाता था ऑप्शन सी एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पब्लिक मॉरल्स इन द मिडवल इंडिया मनसबदारी सिस्टम ऑप्शन डी एफेक्टिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों विच ऑफ दॉट ट्रू अबाउट मुगल मनसबदारी सिस्टम की बात करें तो ऑप्शन सी देर सवार रैंक कुड एक्सीड दैंक दोस्तों वॉट वॉज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्टेट इनकम इन मुगल इंडिया की बात करें तो ऑप्शन सी लैंड रेवेन्यू हो चुका है और इन मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव वो कैबलरी माल रिप्रेजेंट ओके माल का मतलब क्या था उस टाइम पे ऑप्शन ए लैंड रेवेन्यू था दोस्तों द मुगल एम्पर हु प्रोहबिटेड द यूज ऑफ टोबैको तो किसने बैन किया था टोबैको का यूज तो ऑप्शन सी जहांगीर मदत ए माश इंडिकेट्स इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑप्शन बी हो गया रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांटेड टू लर्न पर्सन ओके जो एजुकेटेड पर्सन होते थे जिसे मदद ए माश कहा जाता था हु अमोंग द फॉलोइंग रूलर्स इश्यूड सम क्वाइंस विद फिगर्स ऑफ रामा एंड सीता एंड देवनागरी लेजेंड रामा सिया की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसको ऑप्शन डी अकबर ने इसको इश्यू किया था दोस्तों ठीक है चलिए सो ड्यूरिंग द मुगल रूल इनकम्प्लीट द कॉपर कॉइन वॉज नोन एज कॉपर कॉइन वॉज नोन एज ऑप्शन बी दैम द मीनिंग ऑफ वर्ड बनताई ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड वॉज बनताई क्या है वो ऑप्शन बी सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू दोस्तों असरसन रीजन दिया गया मनसअफ सिस्टम वॉज एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द मुगल पीरियड ठीक है रीजन क्या है मंसअदार इज वर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी ये इज ट्रू बट और इज फॉल्स सो रीड द स्टेटमेंट वन एंड टू नॉट ऑल मनसफ वर मिलिट्री ऑफिसर्स नेक्स्ट दोज हेल्ट हाई सिविल पोस्ट अंडर द मुगल वर ऑल्सो मनसअबदार एंड वर ग्रेडेड अकॉर्डिंगली तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बहुत वन एंड टू आर ट्रू नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनसबदारी सिस्टम तो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए तो करेक्ट आंसर दोस्तों दैट इज जट एंड मनसब डिजिग्नेशन फॉर ग्रांटेड ठीक है एंड देर आर थ्री क्लासेस ऑफ मनसबदारी तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नो सॉरी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्योंकि वन एंड थ्री और टू सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अहदीस वर दो ट्रूपर्स किसे कहते थे अहदीस को

मुगल पेंटिंग की बात करें तो ऑप्शन डी काली घटा दोस्तों हु डिट इलिस्टेट दास्तान आमिर हमजा की बात करें तो ऑप्शन है अब्दुल समद। विथ स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मुगल पेंटिंग दैट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द बैटल सीन्स दिया गया था एनिमल बर्ड्स एंड नेचुरल सीन्स कोटियर डिपिक्टिंग की बात करें तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ओके द फाउंडेशन ऑफ मुगल पेंटिंग वॉज लेड बाई ऑप्शन बी हुमायूं दोस्तों ठीक है सो ड्यूरिंग हु द मुगल पेंटिंग फ्लोरिश तो करेक्ट आंसर है इसको ऑप्शन सी जहांगीर जहांगीर मेनली पैटर्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स की बात करें तो ऑप्शन है पेंटिंग द पहाड़ी स्कूल राजपूत स्कूल ओके मुगल स्कूल एंड कांगड़ा स्कूल रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टाइल्स द आर्ट ऑफ ओके जितने भी स्कूल्स हैं वो कौन से आर्ट ऑफ स्टाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज ऑप्शन बी पेंटिंग के लोग किशन घकूल और किशान घूल इज फेमस फॉर ऑप्शन बी पेंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज मास्टर्ड बाय औरंगजेब ऑप्शन सी वीना द रागा विच इज संग अर्ली इन द मॉर्निंग ईज दट इज ऑप्शन ए हो गया तोड़ी म्यूजिशियन लाइक तानसेन बैजू बावड़ा एंड गोपाल नायक हैड रिसीव्ड द ट्रेनिंग फ्रॉम मास्टर स्वामी हरिदास हाउ मेनी म्यूजिक वर्शिप सेंटर्स हैड बीन सेटअप बाय द फॉलोअर ऑफ स्वामी हरिदास की बात करें तो ऑप्शन ए फाइव वेर इज तानसेन टोम लोकेटेड दोस्तों ऑप्शन बी ग्वालियर द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन वॉज ऑप्शन बी राम तानू पांडे विच मुगल रूलर ऑफ द फॉलोइंग हैड लर्न हिंदू म्यूजिक फ्रॉम लाला कलावांट की बात करें तो ऑप्शन सी अकबर हो गया दोस्तों ओके सो विच अमोंग द फॉलोइंग वर जहांगीरी पेंटर्स विल अकर दैट इज ऑप्शन टू एंड थ्री अबुल हसन एंड आखिया रिजा नेक्स्ट द द्रुपद सिंगर्स इंक्लूडेड इन द रीन ऑफ अकबर वॉस क्या है दोस्तों ऑप्शन ए है दट इज तानसेन और हरिदास दोनों मिलकर तो, द्रुपद सिंगर्स थे अकबर के रेन में चलिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुगल लिटरेचर सो मुगल लिटरेचर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए डेलीस एजुकेशन सेंटर विच वॉज नोन एज मदरसाए बेगम बाई हुम इट वॉज एस्टैब्लिश्ड दोस्तों दैट इज ऑप्शन बी महम अनंगा दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हु रोट हमायून नामा हु रोट हुमायुन नामा ऑप्शन सी गुलबन बेगम गुलबदन बेगम वॉज द डॉटर ऑफ ऑप्शन है बाबर दोस्तों हु अमोंग द फॉलिंग रोड द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इन द मुगल पीरियड की बात करें ऑप्शन है गुलबदन बेगम हु अमोंग द फॉलिंग है ट्रांसलेटेड हिटो पदेशा इंटू परशियन की बात करें तो ऑप्शन डी ताजुल माली विच ऑफ द फॉलिंग मुस्लिम स्कॉलर्स हैज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन हिंदी लिटरेचर की बात करें दैट इज़ ऑप्शन सी होगा दोस्तों अब्दुल रहीम खान खानम चलिए नेक्स्ट इन इंडियन हिस्ट्री हु वॉज द अब्दुल हमीद लाहौरी की बात करें तो ऑप्शन बी अनऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द रीन ऑफ शाहजहां हु इज़ द ऑथर ऑफ शाहजहां नामा की बात करें दैट इज ऑप्शन डी इनायत खान विच ऑफ़ द फॉलोइंग पेय इज करेक्टली मैच आपको पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए बाबर तुझके बाबरी इन्होंने लिखा है दोस्तों ठीक okay? चलिए नेक्स्ट अनवर सुहेली इज अ ट्रांसलेशन ऑफ पंचतंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनवर ए सुली इज अ ट्रांसलेशन ऑफ पंचतंत्र अकबरनामा वॉज कम्पलीटेड बाई फजल इन ऑप्शन है सेवन ईयर्स कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग मुगल पीरियड वॉज ऑप्शन सी पर्शियन और नस्तालिख नस्तालिख कौन थे दोस्तों एक पर्शियन स्क्रिप्ट थी जो कि मिडिवल इंडिया में यूज किया जाता था द पोएट हार्ट किंग हु रोट प्रेजिंग हुज फॉर लॉर्ड कृष्णा अंडर द नेम ऑफ़ नगरी दास किसने लिखा था ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर राजा सावंत सिंह विच ऑफ द फॉलोइंग रोड द फेमस वर्क्स रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया की बात करें तो ऑप्शन है केशव सो मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे दिया गया है तो आप देख सकते कैन यू शेयर दू नो द लिस्ट हैज़ बिन गिवन और पर्टिकुलर बुक्स uh, दिया गया है और उनके ऑथर्स आपको मैच करवाना है दोस्तों तो इसका मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट अगेन द मेज द फॉलोइंग बुक्स यहाँ पे आपको दिया गया है कि कौन से बुक्स हैं आपको अरेंज करना पड़ेगा सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं मुगल पीरियड मिसलिनियस क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वेरियस एग्जाम्स में वो भी इंपॉर्टेंट है जान लेना ओके okay? तो पहला क्वेश्चन है हेमचंद्र विक्रमादित्य इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री हैज़ ऑप्शन डी हेमो दोस्तों द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी हैज़ बिन यूज फॉर ऑप्शन डी हेमू विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच की बात करें तो ऑप्शन बी अकबर सर थॉमस रो रोक ऑफ द फॉलोइंग पेयर दैटल ड्यूरिंग द मुगल एंड मराठा पीरियड वो आपको करेक्टली मैच करना पड़ेगा दोस्तों यानी मुगल और मराठा के बीच में जो बैटिल हुई थी तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन सी बैटिल ऑफ हल्दी घाटी फिफ्टीन सेवेंटी सिक्स ए डी दोस्तों चलिए विच ऑफ नॉट करेक्टली मैच कौन सा करेक्ट मैच नहीं है ऑप्शन डी जहांगीर बैटिल ऑफ बल्क ज नेम कॉल्ड अता अली खान अता अली खान किसका नाम है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस अता अली खान एक्चुअली आपने नहीं सुना होगा मैं आपको बता देता हूँ अता अली खानज नेम इज़ सो एक्चुअली अता अली खान जो है वो राम तनु पांडे जी का नाम था एक्चुअली राइट right? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं तानसेन का नाम आपने सुना होगा राइट right? तो रियल नेम ऑफ तानसेन जो है राम तनु पांडे थे जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया जब भी कन्वर्टेड इंटू इस्लाम तब उनका जो नेम था वो अता अली खान नाम पड़ गया ओके okay. याद रख लीजिए राम तनु पांडे इज अता अली खान राम तनु पांडे नो बडी तानसेन इज अ फेमस यू नो कोट नेम ऑफ ऑफ हिम द फॉलोइंग पोर्ट्स फॉलोइंगज कॉल्ड बाबुल मक्का द गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड की बात करें तो ऑप्शन डी सूरत दोस्तों मुगल्स अडॉप्टेड या अडॉप्टेड नवरोज फेस्टिवल फ्रॉम ऑप्शन ए जोरास्ट्रियन जोरेस्ट्रियन से किया था सो ड्यूरिंग द मोगल पीरियड द मदरसा विच वॉज स्पेशलाइज्ड इन द टीचिंग ऑफ मुस्लिम जूरिस स्टूडेंट्स वॉज लोकेटेड इन ऑप्शन है लखनऊ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच दोस्तों तो ऑप्शन डी डेली द टोम ऑफ अब्दुल रहीम खान खान विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स इज़ नोन एज शान फतेहपुर दोस्तों ऑप्शन सी जामा मस्जिद ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मोलम वास मोलिम कौन थे ए अन एम्प्लॉय थे ऑन इंडियन मर्चेंट शिप दोस्तों बनजारस ज्यूरिंग द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली कौन थे दोस्तों जनरली दे आर ऑप्शन डी ट्रेडर्स सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स फ्रॉम द कोर्ट गिवन बिलो द नेम्स तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी हो गया थ्री टू वन फोर ओके सो अरेंज द फॉलोइंग फोर फॉरिन इन्वेस्ट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्ट गिवेन बिलो तो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज़ चंगेज खान उसके बाद तैमूर उसके बाद नादिर शाह देन अब अहमद शाह अब्दाली सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट की बात करें तो दैट इज़ अहमद शाह अब्दाली फॉर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और जहांगीर वॉज अ लवर ऑफ़ ब्यूटी एंड नेचर दोस्तों अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ़ द फॉलोइंग ऑप्शन एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड की बात करें तो पहले पद्मिनी जी हैं दुर्गावती ओके नेक्स्ट वी हैव ताराबाई एंड अहलिया भाई सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सो मैज द फॉलोइंग दिया गया है यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट दोस्तों एंड यहाँ भी है लिस्ट ऑफ इंसिडेंट्स दिए गए लिस्ट ऑफ सेंचरीज आपको दिए गए तो यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ इट सो यहाँ पे आपने देखा होगा बैटल्स दिए गए हैं दोस्तों थर्ड बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड बैटल ऑफ तरीन कौन से ईयर में होती ये मैं इसीलिए आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ ताकि जब आप ये मैच दॉलोइंग खुद से करेंगे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं ओके okay? मैं यहाँ सिर्फ यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करके आपको बता सकता हूँ बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बहुत वो होमवर्क भी करें ताकि आपकी नॉलेज टेस्ट हो जाए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं ये भी मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे दिया गया है बैटल्स दिए गए हैं और कौन से बैटल कौन से रूलर से एसोसिएटेड है ये आपको पहचाना है ओके अगेन सेम ईयर सो ईयर्स हैव बीन गिवन ईयर और उस ईयर में कौन सा इवेंट हुआ था वो आपको मैं करेक्टली मैच कर इट इज ऑल्सो सेम बैटल्स दिए गए और स्पेसिफिकली इनके ईयर पूछे गए हैं चलिए नेक्स्ट ट्वेंटी सेवन देख लेते हैं अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स ऑफ द मुगल पीरियड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करवाना है तो पहले तो बैटल ऑफ खानवा हुआ था उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा हुआ था दोस्तों राइट उसके बाद बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ साम्बर तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके सो लास्ट वन इज ऑल्सो सेम तो यहाँ पे आपको जो है मॉन्यूमेंट्स दिए गए हैं और कौन सा मॉन्यूमेंट किसने बनाया है ये आपको करेक्टली मैच करना है दोस्तों ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं नेक्स्ट है हमारा सिख सेक्ट दोस्तों अभी मुगल हमने कंप्लीटली कम कर दिया है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको बता दिया तो अभी हम सिख के बारे में पढ़ेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स थे मराठा के बारे में पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन है टू विच सिख गुरु अकबर डोनेटेड फाइव हंड्रेड बिगास ऑफ लैंड दोस्तों तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रामदास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैथ की बात करें तो ऑप्शन बी गुरु अर्जन देव आदि ग्रंथ इन्होंने लिखा था हु हैड गुरु नानक अपॉइंटेड हिज सक्सेसर दोस्तों तो ऑप्शन डी हो गया गुरु अंगद द सिटी ऑफ अमृतसर इन पंजाब वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई ऑप्शन डी गुरु रामदास विथ सिख गुरु हेल्प रेबल प्रिंस खुसरो विथ शेल्टर एंड वेल्थ की बात करें तो ऑप्शन सी गुरु अर्जन देव हु ऑफ़ द फॉलोइंग कंपाइल्ड आदि ग्रंथ फॉर गुरु ग्रंथ साहेब की बात करें तो ऑप्शन डी गुरु अर्जन देव औरंगजेब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विथ सिख प्रॉफिट्स दिथ दोस्तों दट इज ऑप्शन बी गुरु तेज बहादुर एट विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्लेस इज ए फेमस सिख गुरु द्वारा लोकेटेड सभी लोग जानते हैं हेमकुंड ठीक है सो विथ सिख गुरु वॉज बर्न इन पटना दोस्तों पटना में जिनकी पैदाइश हुई थी उनका नाम क्या था सिख गुरु का नाम गोबिंद सिंह नांदेड़ इज कंसिडर्ड सैक्रेट बाई सिक्स ड्यू टू हुम की बात करें तो ऑप्शन डी गुरु गोबिंद सिंह सो गुरु गोबिंद सिंह ग्रेटनेस लाइज इन द फैक्ट दट इज ऑप्शन ए ही फॉर्म द मिलिट्री ऑर्डर ऑफ सिक्स दोस्तों ठीक है हाउ मेनी ईयर्स अगो खालसा पंथ स्टार्टिड खालसा पंथ स्टार्टड थ्री हंड्रेड ईयर्स ओके सो विच अमोंग द फॉलोइंग सिख गुरुज इंस्टीट्यूटेड द खालसा पंथ तो ऑप्शन है गुरु गोबिंद सिंह नेक्स्ट अंडर विच सिख गुरु दिक्स वर ट्रांसफॉर्म्ड इन टू खालसा तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है गुरु तेज बहादुर हु वॉज द लॉस्ट प्रॉफिट ऑफ सिख की बात करें गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह नेम ऑफ बंदा बहादुर वॉस ऑप्शन बी लक्ष्मण देव द लास्ट किंग ऑफ दिख किंगडम कौन थे दोस्तों इनका नाम था दिलीप सिंह सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु पीनालाइज विद बाई द रूलर ऑफ द तो करेक्ट आंसर है गुरु अर्जन देव और गुरु हर गोविंद नहीं गुरु अर्जन देव और गुरु तेज बहादुर राइट right. जी हाँ दोस्तों तो, तो को पिनलाइज किया था डेथ ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ठीक है चलिए अब हम आ चुके हैं मराठा स्टेट और उनके कॉन्फेडरेसी की बात करें कि क्या क्या हुआ था मराठा वालों के साथ तो फर्स्ट है शिवाजी डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ ऑप्शन सी सलहैर दोस्तों वेन वॉज शिवाजी बोर्न एंड वेन डिट ही अज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन डी शिवाजी की पैदाइश हुई थी सिक्सटीन ट्वेंटी सेवन में और इनको टाइटल दिया गया था छत्रपति इन सिक्सटीन सेवनटी फोर में विच इज़ करेक्ट रीजन ऑफ मराठा राइज दोस्तों पहले तो रिलीजियस कॉन्शियसनेस जोग्राफिकल सिक्योरिटी और पोलिटिकल एवेनिंग तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर सो हु वॉज द कमांडर हुट बाई सुल्तान ऑफ़ बीजापुर फॉर रिप्रेशन ऑफ शिवाजी इन सिक्सटीन फिफ्टी नाइन की बात करें तो ऑप्शन बी अफजल खान सिटी ऑफ शिवाजी इन द कैप्टिविटी वेन यू एस्केप फ्रॉम द कस्टडी ऑफ मुगल्स की बात करें तो ऑप्शन बी आगरा वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी दोस्तों दैट इज ऑप्शन ए रायगढ़ एंड वेयर वॉज द शिवाजी फॉर्मली क्रोन्ड एज छत्रपति ऑप्शन सी रायगढ़ दोस्तों ठीक है वॉट वॉज द नेम ऑफ शिवाजी गुरु की बात करें तो ऑप्शन है रामदास एंड नेक्स्ट अष्ट प्रधान वॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो दट इज़ किसमें थे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में थे दोस्तों

हु अमोंग द फॉलोइंग स्ट्रीम लाइन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर शंबाजी की बात करें तो ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ दोस्तों द मराठा किंग बीकेम ए नॉन एंटिटी एंड द पेशवा द वर्चअल रूलर फ्रॉम द टाइम ऑफ दट इज ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव एट द टाइम ऑफ और डेथ द मराठा लीडरशिप वॉज इन दैंड्स ऑफ दट इज ऑप्शन डी ताराबाई दोस्तों हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मराठा वो मेन लेड स्ट्रगल्स अगेनेस् द मुगल एम्पर फ्रॉम सेवनटीन हंड्रेड ए डी ऑनवर्ड्स तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ताराबाई। ओके चलिए तो सरन जैमे सिस्टम वाज रिलेटेड टू सरन जैमे सिस्टम किससे रिलेटेड थे तो ऑप्शन uh, ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मराठा ए हिस्टोरियन विटनेस टू थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो ये कौन थे दोस्तों ऑप्शन बी काशीराज पंडित दोस्तों वॉट वॉज द इमीडिएट रीजन फॉर अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड इंडिया एंड द फाइट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो ऑप्शन ए

द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउंड इन द ईयर कौन से ईयर में इसको लड़ाया गया था ऑप्शन बी सेवनटीन सिक्सटी वन ए डी हु वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग रोहिला चीफ वॉज द कॉन्फिडेंट ऑफ अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो ऑप्शन बी नजीब खान द मोडी स्क्रिप्ट वॉज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट्स दैट इज़ ऑप्शन डी मराठास विच ऑफ़ द फॉलोइंग पेयर दैट इज़ टैक्स ड्यूरिंग मराठा रूल इन सी जी एंड इट्स मीनिंग इज नॉट करेक्टली मैच दोस्तों दैट इज ऑप्शन डी तराई टैक्स कलेक्टेड ऑन इरीगेशन सो असर शेड इन द मैटर ऑफ स्टेट शिवाजी वॉज अडवाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रीजन की बात करें ईच मिनिस्टर हैल्ड द इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट तो इसका जो करेक्ट आंसर है दट इज ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ए इज टू बटार इज फॉल्स तो यहाँ पे आप मैप को देख सकते हैं दोस्तों दिस इज द मैप ओके द शेडेड एरिया एंड द मैप शोज द किंगडम ऑफ कौन से किंगडम के बारे में आपको बताया गया ऑप्शन डी मराठा ओके दिस आर ऑफ मराठास का एम्पायर है अरेंज द फॉलोइंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देर रूल तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको अरेंज करवाना है तो ऑप्शन सी थ्री वन टू फोर दोस्तों ओके okay? पहले जो है बालाजी विश्वनाथ उसके बाद बाजी राव उसके बाद बालाजी बाजीराव उसके बाद माधवराव दोस्तों ओके सो अगेन अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें तो करेक्ट आंसर है पहले शंबा जी दोस्तों बाद में राजा राम ओके okay? बाद में शिवाजी टू उसके बाद छत्रपति शाहू जी दोस्तों दिया गया बायटीन फिफ्टी द मराठा किंगडम एडम ए कॉन्फिडरेसी प्रिसाइडेड ओवर बायवा रीजन की बात करें दक्सेसर ऑफ शाहवा तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन एंड आर आर ट्रू आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डिस इंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर जी हाँ किस तरह से मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ था लेटर मुगल्स जब आए थे बहादुर शाह जब वो लोग प्रॉपरली रूल नहीं कर पाए ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी इस तरह सब कुछ डिसइंटीग्रेट हो गया था दोस्तों तो पहला क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर्स ग्रांटेड ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग फैसिलिटी टू इंग्लिश इन बंगाल तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी हो गया फारूक सिया हु द लास्ट मुगल एम्पायर टू सिट ऑन मायूर सिंघासन कौन थे लास्ट मुगल एम्पर दैट इज ऑप्शन बी मोहम्मद शाह हु औरंगजेब आफ्टर इज डेथ इन सेवनटीन नॉट सेवन ए डी की बात करें तो ऑप्शन है बहादुर शाह वन इनको सब लैटर मुगल्स कहा जाता था ओके दे विल कॉल लेटर मुगल्स सो हाउ डिड द मुगल एम्पर जहानदर शाह रहीन कम टू एन अर्ली एंड की बात करें तो ऑप्शन सी ही वॉज डिफिटेड ए बैटल ठीक है द मुगल एम्पर एट द टाइम ऑफ नादिर शाह अटैक वॉज ऑप्शन सी मोहम्मद शाह दोस्तों ए ग्रुप ऑफ इनुच एंड लेडीज़ डोमिनेटेड इन हिस्ट्री अंडर ऑप्शन है मोहम्मद शाहवन फोर्टी एट इसका द मुगल एम्पायर इज नोन बाय द नेम ऑफ रंगीला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार पूछा भी है जिसे रंगीला कहा जाता था ऑप्शन सी मोहम्मद शाह दोस्तों विच ऑफ़ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर वॉट अलाउड टू एंटर इन टू डेली बाई वजीर गजीउद्दीन की बात करें तो ऑप्शन भी शाह आलम टू द लास्ट मुगल एम्पर वॉज बहादुर शाह तो उनके पिताजी का नाम क्या था तो ऑप्शन बी हो गया अकबर शाह टू था दोस्तों हु द लास्ट मुगल एम्पर ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन बी बहादुर खान बहादुर शाह जफर दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्हीं के टाइम पे तो रिवोल्ट हुआ था दोस्तों राइट रिवोल्ट सो ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बहादुर शाह जफर नॉट करेक्ट है ही रिसीव लेस देन वन लाख रुपीज एज ए पेंशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी ये करेक्ट है नॉट करेक्ट याद रख लीजिए नॉट करेक्ट हु अमॉंग द फॉलिंग वॉज अ फर्स्ट नवाब ऑफ अवध की बात करें तो ऑप्शन बी सादत खान दोस्तों हु अमोंग द फॉलिंग वॉज अ फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी चिंद खुलिच खान हु अमोंग द फॉलिंग हुट कंस्ट्रक्टेड एस्ट्रोनोमिकल ऑब्जर्वेटरी पॉपुलर इन जंतर मंत्र को जो बनाया गया था ऑप्शन डी जय सिंह टू दोस्तों द बुक जिस मोहम्मद शाही

जो टॉपिक है मोगल और मिडिवल पीरियड की अगर बात करें और या फिर डिस ऑफ मोगल एम्पायर तो ये सब कुछ एंड हो गया दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जी हाँ ओके मॉडर्न हिस्ट्री जो कि अराइवल ऑफ़ यूरोपियन कंपनीज थे किस तरह से उनका जो रूल था ओके okay? और क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और नवाब ऑफ बंगाल के टाइम पे उन्होंने किस तरह से रूल किया और जो भी रीजनल स्टेट्स थे पंजाब मैसूर ओके okay? और गवर्नर जनरल वाइस जो बने थे फर्स्ट गवर्नर जनरल वाइस जो बने थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे लेक्चर में क्योंकि ये सारा कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जिसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश जो इंडियन इकोनॉमी में हुआ था वो भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों राइट एंड फाइनली विल एंटर इंटू द इंडियन नेशनल मोमेंट्स ऑल्सो तो यहाँ तक मैं स्टॉप करना चाहूँगा आज के लेक्चर को क्योंकि यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है नेक्स्ट लेक्चर से हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना चालू करेंगे तो चलिए मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद टेक केयर स्टे सेफ स्टे हेल्थी एंड प्लीज प्रे फॉर मी थैंक यू सो मच